भीलवाड़ा के बिजौलिया से बड़ी खबर का रुख करते हैं। प्रेम प्रसंग के चलते सहायक वनपाल प्रेमिका के साथ बांध में कूदा। बिजौलिया के मंजोल बांध की यह घटना है और पानी में डूबने से दोनों की मौत हो गई है। पुलिस अब इस मामले में जुट चुकी है। तो भीलवाड़ा के बिजौलिया से ये बड़ी खबर, जिसको लेकर दोनों प्रेमी जोड़े अब यहां पर पानी में डूब गए बांध में, तो लेकिन अब दोनों की उससे मृत्यु भी हो गई है। प्रेम प्रसंग के चलते सहायक वनपाल प्रेमिका के साथ बांध में कूदा। बिजौलिया के मंजोल बांध की यह घटना है। पानी में डूबने से दोनों की मौत हो गई है और ये फुटेज भी आप देख रहे हैं। अब उन्हें निकाल लिया गया लेकिन बॉडी भी बरामद की गई। दोनों की मृत्यु हो चुकी है। तो बिजौलिया के मंजोल बांध पे कूदकर इन्होंने आत्महत्या कर ली। तो पानी में डूबने से दोनों की मौत हो गई है। पुलिस अब इस लेकिन पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है कि कैसे क्या कुछ पूरा मामला था, लेकिन प्रेम प्रसंग का पूरा मामला बताया जा रहा है। बिजौलिया के मंजोल बांध में डूबने से दोनों की मौत हुई। तो पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। भीलवाड़ा के बिजौलिया से खबर है। कपिल कुमार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कपिल, क्योंकि सहायक वनपाल प्रेमिका के साथ बांध में कूदा, अब इस पर जांच में पुलिस जुट चुकी है, लेकिन क्या पूरा मामला है, पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है, कैसे पता चला कि बॉडी वहां पर बरामद की गई, पूरी जानकारी? जी, आज मंडोल बांध के नजदीक, बिजौलिया स्थित मंडोल बांध के नजदीक वनपाल के और जो उसकी प्रेमिका थी उसके डूबने की जानकारी पुलिस को मिली। इस दौरान वहां पर ग्रामीणों द्वारा लावारिस बाइक मिलने की सूचना पर ये जानकारी पुलिस को मुहैया कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच दोनों शवों को मंडोल बांध से निकाला है और कस्बा स्थित अस्पताल में लाया गया है, जहां कल दोनों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। जानकारी में सामने आया है कि दोनों का 3 से 4 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था और दोनों शादीशुदा हैं, जिनके दो दो बच्चे भी बताए जा रहे हैं। कपिल, परिवारों को यहाँ पर सूचना दे दी गई है? परिवारों को यहाँ सूचना दे दी गई है। दोनों के परिवारजन अस्पताल में मौजूद हैं, जहां जानकारी जुटाई जा रही है। बहुत शुक्रिया कपिल पूरी जानकारी के लिए। तो भीलवाड़ा के बिजौलिया से एक खबर आपको बता रहे हैं। अब ऐसे में प्रेम प्रसंग के चलते सहायक वनपाल प्रेमिका के साथ बांध में कूद गया, लेकिन फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है।